तो गाइस देखो, फिर मम्मा ने चेंज कर दिया। मम्मा ऐसी है, कभी ये अलमारी यहाँ पे थी। तो गाइस आज फिर मंडी आए हुए हम सुबह 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 भी क्या, अभी 9:30 बज रहे हैं और एज यूजल मम्मा की हेल्प करते हुए। और यहाँ पे नारियल पानी सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है, फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ, फ्रेश फ्रेश सब चीज़। हाँ ये देखो भाई, मेरे साथ तो सीन पे सीन हो गया। क्या मैं व्लॉग कर रहा था, आपने देखा मार्केट में एकदम से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, पता नहीं कैसे। तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया वहाँ पे, तो अब मैं घर आके व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और गाइज आज मेरे स्टूडेंट का रेस है रक्षित का, तो उस फाइनल में पहुँच गया है। तो मेरे को कॉल आया उनके मम्मा का, तो अब मेरे को लग रहा फाइनल में पहुँच गया तो मुझे जाना पड़ेगा उसके रेस देखने के लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ फाइनल उसके रेस देखने के लिए, और वहाँ पर मैं शूट नहीं करूँगा, थोड़ा सा क्लिप डालूंगा एंड उसके बाद फिर घर पर ही कंटिन्यू करूँगा व्लॉग को। तो अच्छा लग रहा है और अच्छी वाइब आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि CBSE में तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, बट इस बार मुझे लग रहा है कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज आने वाला है। हाँ जी हाँ जी, सो गाइस घर आ चुका हूँ मैं, और आप लोगों ने देख लिया मैं टूर्नामेंट पे चला गया था और ज़्यादा शूट नहीं किया, बिकॉज मेरे, सच बताऊँ मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है, बिकॉज हमारे एकेडमी के 2 स्टूडेंट नेशनल के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, CBSE नेशनल एंड RSFI नेशनल्स। तो बहुत प्राउड मोमेंट है पेरेंट्स के लिए भी है, हमारी पूरी टीम के लिए भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब क्या बताऊँगा, इसमें घर आए हूँ बट आज मैं बहुत खुश हूँ बहुत ज़्यादा। और मम्मा भी सो रही है, मम्मा बहुत जल्दी सो रही है, एंड रोशन भैया और भाभी घर पर नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं, और मेरे एक फ्रेंड है उनकी भी आई थिंक डैडी की डेथ हो चुकी है, तो मुझे कल जाना है वहाँ पे। तो मैं आज बिल्कुल शूट नहीं कर पाया, बस ये कि थोड़ा बहुत अभी शूट करूँगा और कल शूट करूँगा सुबह उठ के, देन फिर कल ही ब्लॉग डाल दूँगा। एंड लव यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से सच बता रहा हूँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, और हमारी अकेडमी भी आगे बढ़ रही है, हमारी फैमिली भी आगे बढ़ रही है, और आप लोगों ने इस बार जो ऑल द बेस्ट कहा ना, काम आ गया सच में, लव यू गाइस। और देखते हैं मम्मी ने क्या बना रखा डिनर में। तो गाइस ये है चो चो बोलते हैं हमारे में, एंड सैलेड इसके अंदर, जो भी कहो घर का खाना घर का ही होता है गाइस। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है, चावल है। तो ये गाइस अब डिनर करेंगे और इस व्लॉग को कंटिन्यू कल करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, और कल का दिन आप लोगों को पता है मेरे बहुत स्पेस चल रहा, अब जाएगा चेन्नई। हाँ आप चले जाओ मेरी जगह सच में। और गाइस जाना है चेन्नई, चेन्नई जगह बहुत अच्छी है, मामा चेन्नई जाने को मिलेगा। तो गाइस देखो, फिर मम्मा ने चेंज कर दिया, मम्मा ऐसी है, कभी ये अलमारी यहाँ पे थी, यहाँ पे ये कर दिया, अब ये अलमारी इधर कर दिया, बट ठीक है यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज कभी कभी यहाँ शूट करता हूँ ना तो यहाँ का व्यू आता है पीछे का, तो बड़ा गंदा सा लगता है। और क्या बोले मम्मा को ना, संडे है गाइस, और संडे भी देखो बाकी घर की सफाई चल रही है अभी, ये देखो पूरा घर साफ हो रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। दीदी हाय तो कर दो, अभी दिवाली की तैयारी जोर शोर से, और ये सारे मिठाई के डब्बा भी देने जाना है, और उसके अलावा अभी अंदर भी थोड़ा दिवाली की वजह से घर की सफाई वफाई हो रही है। स्केट निकल चुका है और मैं स्केटिंग करने वाला हूँ मंडे से, तो ये इसमें थोड़ा मैं टेपिंग करने की सोच रहा हूँ यार, तो सोच रहा यार कैसे टेपिंग करो, थोड़ा आइडिया दे देना गाइस कमेंट करके, कौन सा टेप चिपकाऊँ, देखो ना कितना बुरा हाल हो गया है, ये बिल्कुल ये शूज़ ना गंदा गंदा सर गया, मैं इसको पूरा टेपिंग करना चाहता हूँ रैप करके, बिल्कुल अलग ही है। और व्हील्स थोड़े चेंज करने वाला, व्हील बहुत बड़े 110 mm के, बाकी स्केट बहुत अच्छा है। और उसके अलावा गाइस अब मैं स्टूडेंट के साथ साथ मैं भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ, और काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि रौनक आप भी स्टार्ट करो अपनी स्केटिंग, और हम भी आप लोगों को देखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, रोशन भैया को देखना चाहते हैं। तो गाइस रोशन भैया और मैं एक दिन साथ में ज़रूर करेंगे, बट हम पे स्केट एक है,
तो उनके लिए मुझे एक स्किट मंगवाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली करेंगे। और आप लोग हमारे फैमिली हो तो आप लोगों के लिए तो इतना बनता ही है। और बाकी गाइस, जो मैं आप लोगों को अपना जो मैं इस टाइम फील कर रहा हूँ ना, पीछे जो भी हुआ है उसको भूल के आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे बढ़ोगे ना बहुत अच्छी लाइफ है। जैसे अब मैं स्टूडेंट जीत रहे, क्वालिफाई हो रहे नेशनल्स के लिए, पेरेंट्स मेहनत कर रहे, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। मतलब एज अ टीचर, एज अ कोच, जो मैं इस टाइम फील कर रहा हूँ ना, जो कोच होंगे, जो टीचर होंगे, समझ सकते हैं, उनके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली टीचर भी आगे बढ़ता है, ऑटोमेटिक अकेडमी भी आगे बढ़ती है। और इसी वजह से मैंने भी अब डिसाइड करा है कि मैं भी स्केटिंग स्टार्ट करूँगा, अपनी फिटनेस करूँगा, स्केटिंग करूँगा, जो मेरा पैशन है, जो मैं पहले करता था ना, तो कम बैक करने का टाइम आ चुका है। बाकी मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है एंड मेरे काफ़ी सीनियर्स है जो सिखाते हैं, सीखने को भी बहुत मिलता है, तो वही है गाइस। और बाकी तो अब मैं ब्लॉग को भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बिकॉज आज मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना है, बिकॉज मेरे एक दोस्त उनके फादर की डेथ हो चुकी है, तो वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखते गाइस, एंड इतने ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। ऐसे प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, और फैमिली को और बड़ा करो। और आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारी चीज़ें आनी है, जैसे आप लोगों को बता, अभी तो दिवाली का टाइम है, तो दिवाली के टाइम पे थोड़ा घर की सफाई होना, थोड़ा सामान इधर उधर करना, मिठाई इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो सारे काम करने पड़ते हैं, लोग आते, मिठाई लेके जाना पड़ता है। तो ये अब आप लोग भी बहुत बिजी होंगे, इसी वजह से हमारे काफ़ी व्यूवर आई थिंक व्लॉग भी नहीं देख पा रहे, बट अच्छा लगता है दिल से। अभी भी काफ़ी लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छे अच्छे कि हम इतने बिजी शेड्यूल में भी आपके व्लॉग देखते हैं, आप हमारी फैमिली के पार्ट हो, तो दिल खुश हो जाता है। तो गाइस इतना ही है, तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप सबको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद, मेरे को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं, जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नई वीडियो नई व्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, लव यू एंड बाय बाय। We'll be right back.